इसकी जो चैन है उसके अंदर पूरा रस्ट आ चुका है और टायर है ये फ्लैट हो चुका है। इसके इंजन में भी सो हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सो आज की वीडियो रहेगी स्प्लेंडर के ऊपर। आप लोगों के काफ़ी मैसेज और काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे भी, और मतलब जो रेगुलर मुझसे जुड़े हुए हैं और जिनसे मेरी रेगुलर बात होती है वो सब्सक्राइबर हैं, तो उनका डेली यही मैसेज आ रहे हैं और यही कमेंट आ रहे हैं कि भाई स्प्लेंडर पे वीडियो कब आएगी और आपने स्प्लेंडर बेच दिया है आपके पास है। तो भाई मैं आपको लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि जो मैंने स्प्लेंडर है वो मैंने मेरी स्प्लेंडर नहीं बेची है और ना मैं उसको बेचूंगा कभी भी। ये मैंने बहुत प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बोला आप लोगों से, तो मेन रीज़न है ना बेचने का। जैसे कि मेरे पास अभी मैंने KTM ली है, शायद मैं उसको अगले मंथ या कभी भी बेच दूँ, मेरे को ऐसा कोई गम नहीं होगा। मेरे पास एक्टिव है मैं उसको बेच दूँ, मेरे पास रॉयल एनफील्ड थी मैंने उसको बेचा, ऐसा कुछ नहीं। बट जो स्प्लेंडर उसके साथ कनेक्शन अलग है, कभी आगे की वीडियो में बताऊंगा कि और मेरा क्या कनेक्शन है, किस रीजन की वजह से मैं उसको कभी भी सेल नहीं करूंगा। ज्यादातर के लोगों का यही क्वेश्चन था कि सेल कर दिया गया, तो उन सभी को मेरे ख्याल से आंसर मिल चुका होगा, भाई सेल नहीं किया है। वीडियो क्यों नहीं आ रही उसका रीजन बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा एग्जाम वगैरह की मतलब थोड़ा चल रहा था सीन, और जो भी स्प्लेंडर की हालत है वो वीडियो बनाने लायक है नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है बाइक में, क्योंकि वो 5 महीने से खड़ी है। एक तो उसकी जो चूहे ने वायर वगैरह काफ़ी कट कर दी, तो मुझे नई वायरिंग डालनी है, उसका इंजन ऑयल चेंज करना है, और उसकी जो फ्रंट टायर और जो रियर है दोनों फ्लैट हो चुके थे, बट मैंने जैसे तैसे जो इन्फ्लेटर से फ्रंट में टायर भर दिया, बैटरी भी वर्क नहीं कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उस बाइक में आ रही हैं बिकॉज ऑफ इतने लॉन्ग टाइम से वो खड़ी है। तो अभी मैं आपको स्प्लेंडर की हालत दिखाता हूँ, क्या स्प्लेंडर की हालत है, शोर कर देता हूँ कि आपको आने वाले टाइम में जल्द से जल्द बहुत वीडियो मिलेगी। इसी मंथ के अंदर मैं काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूंगा, आप लोगों को पसंद आए वो प्रोजेक्ट, और एक बाइक न्यू परचेज करूंगा मैं, सेकेंड हैंड फर्स्ट हैंड जो भी रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा जैसे भी रहेगा। बट आपको बाइक के मैं कंडीशन दिखा दूँगा, आप कंडीशन देख के पता लगा सकते हो कि भाई वीडियोज इसलिए नहीं आ रही थी, और आज या कल में मैं इसको सारा बिल्कुल सही करवा दूंगा वापस जैसे ये थी। जहाँ तक मुझे लगता ना कि अभी जो मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, सब कुछ मैं उसके अंदर चेंज कर दूंगा, वो आपको शायद पसंद आएगा। अभी अपने चलते हैं स्प्लेंडर के पास कि आपको कंडीशन दिखाता हूँ कि कैसी कंडीशन फिलहाल उसकी है। तो हेयर इट इज़ माई स्प्लेंडर माई जान, और आप कंडीशन देख सकते हैं किस कंडीशन में खड़ी है। आपको अगर टायर दिख रहा हूँ यहीं से तो बिल्कुल फ्लैट हो चुका है टायर, फ्रंट वाले मैंने इन्फ्लेटर से हवा भर दी जैसे तैसे। तो ये अपनी KTM खड़ी है और वो एक्टिवा, तो इससे थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ ताकि आप इसकी जो कंडीशन है आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊँ। KTM उस साइड में वहाँ आगे की तरफ खड़ा कर दिया, अब आपको मैं इसकी कंडीशन दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो चैन है उसके अंदर पूरा रस्ट आ चुका है और टायर है ये फ्लैट हो चुका है, और जो इसके इंजन में भी काफ़ी मतलब दिक्कत वगैरह आ रही है, और प्रॉपर पेट्रोल भी अंदर नहीं जा रहा, मतलब 5-6 महीने में काफ़ी कुछ हो गया, जो वायरिंग वगैरह चूहों ने काफ़ी हालत ख़राब कर दी है इसकी। अभी आप देख सकते हैं इस पर डस्ट ही डस्ट है, और ये इसका एग्जॉस्ट। तो आप इस साइड की जो कंडीशन है वो देख सकते हैं, इस साइड की कंडीशन किस तरह की है, और ये जो साइलेंसर है इसके अंदर भी हल्का हल्का रस्ट पकड़ना इसने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये देखिए येलोनिस आ चुके हैं यहाँ पे, और ये पेट्रोल टैंक की कंडीशन कुछ ऐसे है। अब जैसे कि मैं देखिए हैंडल घुमाऊँ ना तो टायरों में ऐसे आवाज़ आ रही है, मतलब काफ़ी टाइम से यहीं पे खड़ी है, और इसका जो फ्रंट है वो आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखिए आप, ये भी पूरा मतलब इसके अंदर जो हवा है मैंने भर दी है, बट फिर भी इसके अंदर काफ़ी दिक्कत है, यहाँ से भी ऑयल वगैरह भी लीक हो रहा है इसका, तो काफ़ी टाइम से ऐसी खड़ी इस कंडीशन में खड़ी है। तो जैसे कि आपने देखा कि क्या कंडीशन हो रखी है बाइक की, इस वजह से मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था, और प्रोडक्ट आपको पता जैसे कि बाहर से प्रोडक्ट भी नहीं आ रहे हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो मोटरसाइकिल के प्रोडक्ट है वो सारे चाइना से आते हैं, तो चाइना से माल आना बंद हो रखा है, तो इसलिए दिल्ली के अंदर भी ऐसा कोई सामान नहीं है नया कि मैं आपको उसके ऊपर वीडियो डाल के बना दूँ। मैं रेगुलर वो जो पुरानी वीडियोज हैं लाइट लगाना हैंडल लगाना वो आपको मैं नहीं दिखाना चाहता था, इस वजह से भी मैंने वीडियो नहीं डाली थी। कुछ बाइक की कंडीशन ऐसी थी कि मैं वीडियो नहीं डाल सकता था, तो क्योंकि मैं खुद बिजी था, जैसे मैंने इसको भी थोड़ा केयर नहीं किया, और केयर ना करने की वजह से आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत हो गई है। तक कल या परसों तक मैं इसको पूरा वापस सही कर दूंगा, पूरा एक न्यू लुक के अंदर इसकी जो पिक आएगी वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, जैसे मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आप स्क्रीन के ऊपर हैंडल आ रहा है वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और जल्दी ही मिलता हूँ कोई नए प्रोजेक्ट के साथ, और जो भी लोग बने हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी लोग तो मतलब अभी तक चैनल को छोड़ के चले गए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इतना गैप लोगे तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपके लास्ट तक साथ रहते हैं, और उनमें से कुछ लोग हैं जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अदरवाइज मैं जैसे रेगुलर रहूँगा। आई होप कि जल्द से जल्द सब कुछ वापस सही हो, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते के लिए बड़े न्यू साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम लव यू ऑल टिल देन बाय। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना कि आपको किस बाइक पर नया प्रोजेक्ट देख रहे हैं। टिल देन बाय।